भारत विश्व में सब्जियों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, जो विश्व के सब्जी उत्पादन में लगभग 12% का योगदान देता है। देश में सब्जी उत्पादन के बेहतरीन विकास के बावजूद किसानों को कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन चुनौतियों में सबसे प्रमुख है मकड़ी और रस चूसने वाले कीट। मकड़ी और रस चूसने वाले घातक कीट विभिन्न फसलों को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचाते हैं और उन्हें नियंत्रित करने के लिए विभिन्न रसायनों की आवश्यकता होती है। मकड़ी, हरा तेला और सफेद मक्खी जैसे प्रमुख कीट पत्तियों से रस को चूसते हैं। इसके कारण पत्तियां पीली पड़कर मुड़ जाती हैं। हमारे किसान भाइयों की इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए मकड़ी और रस चूसने वाले कीट के प्रभावी नियंत्रण के लिए इंडोफील पेश करते हैं एक नया बेहतरीन और असरदार उत्पाद टम्मू। इंडोफील इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा विकसित एक नया मकड़ी कीटनाशक है, जो प्रभावी रूप से मकड़ी, हरा तेला और सफेद मक्खी जैसे रस चूसने वाले कीटों को एक साथ नियंत्रित करके फसल को इनसे होने वाले नुकसान से उत्तम एवं बेहतरीन सुरक्षा प्रदान करता है। टम्मू की क्रिया की विधि। टम्मू संपर्क, वाष्प और उदर क्रिया द्वारा कार्य करता है। इसमें मौजूद रसायन मकड़ी के श्वसन, मेटाबॉलिज्म क्रिया और अन्य रस चूसने वाले कीटों के नर्वस सिस्टम पर काम करता है, जिसके परिणाम स्वरूप कपकपी और लकवा होने के कारण मकड़ी और रस चूसने वाले कीटों की मृत्यु हो जाती है। टम्मू की प्रमुख विशेषताएं। बहुआयामी नियंत्रण। मकड़ी और रस चूसने वाले कीट जैसे हरा तेला और सफेद मक्खी का बेहतरीन नियंत्रण। फसलों में होने वाले नुकसान को तुरंत रोके। फसलों को हरा भरा एवं स्वस्थ रखता है। टम्मू का छिड़काव समय, उपयोग करने का समय। मकड़ी एवं पत्ते चूसने वाले कीटों का शुरुआती प्रकोप बढ़ने के दौरान या कम शुरुआती स्तर पर हो। उपयोग करने की संख्या, कीटों के संक्रमण को देखते हुए 1 से 3 बार इसका उपयोग किया जा सकता है। टम्मू की छिड़काव मात्रा। मकड़ी और रस चूसने वाले कीटों के बेहतरीन नियंत्रण के लिए भिंडी और टमाटर की फसल पर 1100 से 1150 मिलीलीटर प्रति हेक्टर टम्मू को 500 लीटर पानी में मिलाकर इस्तेमाल करें। तो किसान भाइयों, अपनी सब्जियों की फसल को मकड़ी और रस चूसने वाले कीटों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए आज ही ले आइए इंडोफील का बेहतरीन उत्पाद टम्मू। टम्मू, एक अनोखा मकड़ी कीटनाशक।